राज्य की भाजपा सरकार द्वारा पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने गोधन न्याय योजना बंद करने का आरोप लगाते हुए, साथ ही इस असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों ने गौ सत्याग्रह कर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार दुर्ग जिला शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के द्वारा पटेल चौक दुर्ग में सड़कों पर घूमते पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर गौ सत्याग्रह कर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पशुओं को सड़क पर बेमौत मरने गोधन न्याय योजना बंद करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही प्रदेश भर में हो रही गायों की मौत तथा खुले मवेशियों के कारण सड़कों में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बताया। बता दें, भाजपा सरकार गाय भैंसों के साथ जनता को सड़कों पर बेमौत मरने के लिए मजबूर कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा सरकार की इस असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ जिला मुख्यालय में गौ सत्याग्रह किया गया। गौ सत्याग्रह खुले में घूम रहे मवेशी पशुओं के साथ लेकर जिला कार्यालय में अनुविभागीय कार्यालय के समक्ष जंगी प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बागलीवार, राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से गौ माता पे अत्याचार बढ़ा है। गौ माता की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा सभी गौठाने बंद कर दी गई है और हमारी गौ माता सहित सभी पशुधन सड़कों पर विचर रही है या बैठे रहती है, जिससे पशुधन की हानि होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और पशुधन को हानि हो रही है, एक्सीडेंट में मर रहे हैं और उसके कारण बहुत से जान माल की भी हानि हो रही है, जनता को भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से जब से भाजपा सरकार बनी है गौ तस्कर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही साथ मांग करते हैं कि गौ माताओं को गौठान पे रक्षा दी जाए, उनको बैठाया जाए, उनको रखा जाए, उनको चारे की व्यवस्था किया जाए और साथ ही साथ जो गौ माता सड़कों पे बैठी है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। एसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।